हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये आर्टिकल 148 में दिया हुआ है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 148 में बात की गई है कि इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा कैग का। ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के। ही होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। अब हम देख लेते हैं कैसे कैग का जो ऑफिस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। पहली चीज़ ये है, इसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और इसे रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। और इसे रिमूवल का प्रोसेस कैसा है, सेम मैनर एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड। इसके बाद ही इज़ नॉट एलिजिबल टू होल्ड फर्दर एनी ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर स्टेट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस। एक बार जब इनका टर्म ख़त्म हो जाता है अपने ऑफिस होल्ड करने का, इसके बाद ये फर्दर कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है या किसी स्टेट के अंदर आता है। उसके बाद है, ही कैन एनी टाइम गिव हिज रेजिग्नेशन एड्रेस लेटर एड्रेसिंग टू प्रेसिडेंट। ये किसी भी समय अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, लेकिन ये किसको दे सकते हैं, टू द प्रेसिडेंट। इसकी जो सैलरी होती है या सर्विस की जो कंडीशंस होती हैं, वो एक बार अगर इनका अपॉइंटमेंट हो गया तो उसके बाद उसको वेरी नहीं किया जाता है। साथ ही में ये चीज़ है कि क्या की सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन, ये सब चार्ज होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू वोट। इसके बाद आता है फंक्शंस क्या हैं कैग के। कैग का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि एक्सपेंडिचर, इट इज़ रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका अकाउंट मेंटेन रखते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, सारे स्टेट्स के भी, यूनियन टेरिटरीज जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका ये क्या करते हैं, उसके ऑडिट करते हैं उसके अकाउंट्स को रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर। उसके बाद ही ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ साथ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का भी ऑडिटिंग करते हैं, उसके एक्सपेंडिचर्स की और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की भी, ठीक है, एज वेल एज कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। उसके बाद ये ऑडिट करते हैं कि सारी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि जो भी अकाउंट्स होते हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका बैलेंस शीट, उसकी भी ये ऑडिटिंग करते हैं। He audit the receipt and expenditure of all bodies and authorities substantially financed from the central or state revenues, government companies, other corporation and bodies, when so required by related laws. मतलब जितनी भी bodies हैं जिन्हें finance या जिन्हें revenues मिल रहा होता है from the central or the state government, उन bodies को भी, उनका भी expenditure का ये audit करते हैं। He audit the account of any other authority when requested by the president or governor. Example, local bodies. अगर किसी local body के finances का auditing करना है तो उसके लिए भी ये कर सकते हैं अगर इनको request किया जाता है by the president or governor. साथ ही में इनका एक important function है, ये advise करते हैं president को with regard to prescription of the form in which the account of the center and state shall be kept. मतलब कि अकाउंट कैसे मेंटेन होंगे सेंटर के और स्टेट के, ये बात बताते हैं प्रेसिडेंट को। तो मतलब ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट। ये क्या करते हैं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट इन टर्न क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को कहाँ पर देते हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, वहाँ पर प्लेस करते हैं इसे, ठीक है। तो पार्लियामेंट के सामने इस रिपोर्ट को कौन पेश करता है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट देते हैं कैग। कैग ऑल्सो एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बाद इनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। आर्टिकल 148, 149, 150 और 151 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो इनके कुछ पावर एंड फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, जो साथ ही में इसकी ड्यूटीज़ भी हैं। आर्टिकल 149, ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनकी जो मेन ड्यूटी है वो ये है कि एक्सरसाइज करें सच पावर इन रिलेशन टू अकाउंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट एंड ऑफ एनी बॉडी और अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जैसा इनको कहेंगे ये उस हिसाब से ऑडिटिंग करेंगे, किसका, यूनियन ऑफ इंडिया का, स्टेट का और एनी अदर बॉडी और अथॉरिटी का। आर्टिकल 150 कहता है कि फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स, ये किस फॉर्म में इस चीज़ को प्रेजेंट करेंगी।
टू प्रिस्क्राइब विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट द फॉर्म इन विच द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट आर टू बी केप्ट। ये बात इन्हें कौन बताता है कि आपका फॉर्म कैसा होगा अकाउंट्स को बनाने का या रखने का, ये बात इन्हें प्रेसिडेंट बताते हैं। आर्टिकल 151 क्या की रिपोर्ट की बात होती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 151। To report to the president or to the governor of the state on the account of the union of the state, the constitution has also provided in. साथ ही में हमने देखा है क्या की रिपोर्ट तो ये सबमिट करते हैं, साथ ही में हमने देखा है आर्टिकल 279 का आई क्लॉज जो है वो कहता है कि CAG has to ascertain and certify the net proceeds of any tax or duty mentioned in chapter 1 of part 12 of the constitution। साथ ही 279 में जो भी प्रोसीड्स ऑफ टैक्स होते हैं या ड्यूटी जो भी मेंशन की गई है उसे भी ये एसर्टेन करते हैं। बिसाइड दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट ऑफ 1971 इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, मतलब क्या था बिफोर 1976 बेसिकली ये चीज़ थी कि CAG के दो डायमेंशनल रोल होते थे बेसिकली, एक था अकाउंटिंग एक था ऑडिटिंग। लेकिन फिर क्या हुआ ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट इन 1976, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1976 में क्या हुआ जो इनके दो रोल थे बेसिकली अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की वो सेपरेट हो गए। ठीक है, नाउ द CAG ड्यूटी इज द ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स सिंस 1976 अकाउंटिंग इज बीइंग डन बाय द वेरियस डिपार्टमेंट देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। मतलब अब CAG का जो फंक्शन है वो सिर्फ ऑडिटिंग का रह गया, अकाउंटिंग का नहीं रह गया। ये कब से लागू हुआ, 1976 से। तो ये कुछ ड्यूटीज़ थी, साथ ही उनके पावर फंक्शंस CAG के थे। थैंक यू।